गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, ये चल रहा है मैरिज टाइम, सो हम लोगों को अपने सारे कामों के साथ स्किन को भी रखना है चमकीला और ग्लोइंग अमेजिंग, ताकि शादी पार्टी में हम भी चमकें। सो गाइस, ये होम रेमेडी जो है वो सबके लिए है, टीनेजर्स के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी है जो मैरिड हो चुके हैं। तो गाइस, ये है सिर्फ़ और सिर्फ कच्चा दूध। इसे हम कच्चे दूध को मतलब आज यूज़ करेंगे एज अ कुछ भी कह सकते हैं, मतलब अपने फेसियल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो गाइज़, बस मैंने ये फटाफट अपने चेहरे को बेसन से, आज मैंने किसी भी फेस वॉश से नहीं, बेसन से चेहरे को धोया है और धुलने के बाद अच्छे से पोंछ कर फिर उसमें लगाया है ये कच्चा दूध 2 और 3 परतों में, मतलब 4 या 5 परतें भी कर सकते हैं। हल्का हल्का सा सुखा सुखा करके, मतलब हल्का हल्का सूख सूख सा हो जाए, फिर उसके बाद 4 परतों में लगा लें, फिर अच्छे से इसकी हवा कर लें ताकि ये हल्का सा नम हो जाए, और जब हल्का सा नम हो जाए, देख लें छूकर हल्का सा नम हो गया, तो बस इसे अच्छे से मसाज कर दें और धीरे धीरे मसाज करें, हल्के हाथों से मसाज करें ताकि स्किन खींचे नहीं, स्किन पर झुर्रियाँ नहीं पड़े। तो गाइस, करने के बाद अच्छे से फिर इसे हम या तो लुकम वाटर से आप अपने चेहरे को मतलब क्लीन कर सकते हैं, या तो नॉर्मल वाटर से चेहरे को क्लीन कर लीजिए। गाइस, दोनों में, दोनों आपकी मर्ज़ी है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो बस ये चेहरे को अच्छे से आप धुल लीजिए और फिर देखिए गाइस, आपका चेहरा इतना चमकेगा और इतना ग्लो करेगा ना कि आप ही आप नज़र आओगे। और ये वीक में आप 3 से 4 दिन करिए, फिर देखिए आप अपने, और ये चेहरे के साथ साथ हाथ और बैक पे भी यूज़ कर सकते हैं इसका। इस कच्चा दूध अमेजिंग होता है गाइस। फिर मैंने इसे चेहरे से अच्छे से मतलब झाड़ लिया है धीरे धीरे मसाज करके, फिर मैं इसे धो रही हूँ फटाफट से पानी से, और फिर मैं धुलने के बाद जाऊँगी और एक अच्छी सी स्टीम लूँगी, ताकि ठंडी है ना, ठंडियों में हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो इसलिए हमें स्टीम लेना ज़रूरी हो जाता है, और ठंड का टाइम भी है ना, ताकि ठंड ना लगे, और मेरा तो छोटा बेबी है इसलिए मैं स्टीम लूँगी गाइस। इसको अच्छे से बस हल्के हल्के हाथों से पोंछ कर चेहरे को अब स्टीम लूँगी, और स्टीम में मैं डालूँगी पानी में थोड़ा सा विक्स या झंडूबाम, कुछ भी आप डाल सकते हो जो आपको सही लगे। सो गाइस, इसलिए क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, मुझे ज़ुकाम ना हो, सर्दी ना लगे, इसलिए मैं डाल रही हूँ। बाकी आप ऐसे ही स्टीम ले सकते हो, स्टीम लेना तो इम्पॉर्टेंट होता है, आप वैसे भी फेस के लिए अच्छा होता है, रोम छिद्र खुल जाते हैं, हमारी सारी जो पोल्यूशन हमारे चेहरे से होता है, हमारे किल में सारे निकल जाते हैं। सो गाइस, मैं ये लूँगी अच्छा सा, मैं बस स्टीम ले लिया मैंने, और स्टीम लेने के बाद जो चेहरे में शाइन आती है ना, वो देखते ही बनती है गाइस। तो बहुत अच्छी सी शाइन, ग्लोइंग सी शाइन आती है, आप ये ज़रूर देखिएगा करके। आप एक बार करेंगे ना, एक हफ्ते में 2 या 3 बार आप बोलेंगे कि हाँ, दी ने कहा था, वाकई अमेजिंग होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है, सिर्फ और सिर्फ दूध, वो भी कच्चा दूध। सो गाइस, अब इसका देखिए, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन लग रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ, लग ही नहीं रहा कि ये मेरी स्किन है। सो गाइस, अभी मैं मिलती हूँ आपसे मेकअप करने के बाद। सो गाइस, ये देखिए, ये मेकअप करने के बाद कितना प्यारा लुक आया है, और चेहरा तो इतना चमक रहा कि मैं बता ही नहीं सकती गाइस। एक बार ज़रूर ये करिएगा, देख करके होम रेमेडी ज़रूर अपनाइएगा। सो गाइस, कैसी लगी होम रेमेडी ज़रूर बताइएगा। सो मैं अब मिलती हूँ अपना मेकअप साफ करने के बाद किचन में डायरेक्टली। सो मैं किचन में आ गई क्योंकि मुझे करना है लंच प्रिपरेशन, और मुझे नाक में हल्का हल्का सा सुरसुराहट सी हो रही है। सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गाइस, ये कैसा लगा मेरा होम रेमेडी बताइएगा ज़रूर। और बस मेरा खाना तैयार है। सो गाइस, मिलती हूँ आपसे फिर विद अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून, और ऑल द बेस्ट आपके काम।